आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपके लिए जो है मैं एक रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी है ये। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें सीखते हैं हम फ्रेंच टोस्ट बनाना। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास है तकरीबन चौथाई कप दूध, 1/4 कप, और साथ में ही हमें चाहिए 2 अदद अंडे, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक और वेनिला जो है मैंने लिया है 1 चम्मच और सिनेमन पाउडर 1/2 चम्मच। मैंने अंडे यहाँ पर डाल लिए हैं और अब इनको जो है वो हल्का सा इनको मैं बीट करूँगी और साथ में ही इनमें मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। तो अब मैं डाल रही हूँ अंडों में 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर और 1 टीस्पून वेनिला, और इसके बाद इसमें जाएगा सिनेमन 1/2 टीस्पून एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, और साथ में ही जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क। और इसे मिक्स करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमें बीट करना है। चूल्हा जो है उस पे पैन रख दिया है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर हमने ऑयल मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अब जो है मैं इन ब्रेड पीसेस को जो है वो डिप करूंगी इसके अंदर इस बैटर में, और उसके बाद उसको जो है मैं फ्राई कर लूंगी। सो मैं इसको डिप कर रही हूँ और जल्दी जल्दी डिप करना है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। चारों तरफ से जब ये डिप हो जाए तो उसको हमने फ्राई करना है। ये जल्दी क्विकली तैयार होने वाली रेसिपी है और फौरन से ये रेडी हो जाती है, और इनको ज़रूर ट्राई करें। अब ये जो है वो एक साइड से हो चुका है मेरा, और मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है इस तरफ से। चेक कर लेंगे इसको, 1 मिनट तकरीबन लगता है एक साइड को पकने में, 1 से 1.5 मिनट। ये हमारा बहुत अच्छा सा फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुका है और अब मैं इसे निकाल लूंगी। और ये तैयार हो रहे हैं हमारे बहुत मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट, हमारी आज की सिंपल रेसिपी और बहुत आसानी से तैयार होने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और साथ में ये भी बताती चलूँ कि जो मेरे जो सॉन्ग्स हैं उनको भी मैं शुरू में ऐड कर देती हूँ, और उसमें यह है कि लिरिक्स मेरे होते हैं, जो भी सॉन्ग्स मैंने लिखे हैं उनके जो लिरिक्स हैं। मुजरिम सॉन्ग है मेरा और साथ में ही राग का घर है, ये 2 ही रिलीज़ हुए हैं फ़िलहाल, दीवाना भी आएगा और उसके साथ ही काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं मेरे। तो आई होप कि आप लोगों को सॉन्ग्स भी मेरे पसंद आएंगे, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा देखकर सॉन्ग। तो ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मेरी रेसिपीज़ को मेरे सॉन्ग्स के साथ। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।